वेलकम टू माय चैनल मैडी हट एंड आज हम बात करने वाले हैं पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल 3355 के बारे में। क्या इसके यूज़ हैं, क्या डोज है एंड क्या साइड इफ़ेक्ट है, सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आप में से 85% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम बात कर लेते हैं पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल के बारे में, इसका क्या यूज़ है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम कभी कभार होने वाले कब्ज और मल को ठोस बनने से रोकने या उनके इलाज के लिए किया जाता है। यह मल को त्यागने और उसे आसानी से मल को नरम करने के लिए किया जाता है। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन की समस्या, सर्जरी के टाइम पे जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें, या फिर प्रेगनेंसी उसमें भी हम दे सकते हैं। इसका ज़्यादातर हम यूज़ सर्जरी के टाइम पे करते हैं या कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है, यानी क्या होता है हॉस्पिटलाइज्ड मतलब जैसे कि अगर कोई पेशेंट भर्ती है तो उसमें काफ़ी सारी हैवी एंटीबायोटिक चलती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लगती है, तो उस स्थिति में हम पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल दे सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हम फिशर में भी कर सकते हैं और पाइल्स में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। जो पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल होता है ये एक तरीके की सिंथेटिक शुगर होती है। अगर हम बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी ये काम कैसे करती है, तो ये जो है ऑस्मोसिस के प्रोसेस पर काम करती है। ये क्या करती है कि जब हमारी बॉडी के अंदर से फीकल जो है निकलता होता है तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो जाती है जिस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। तो ये क्या करता है कि जब फीकल निकलता है तो उसके अंदर थोड़ा पानी छोड़ देती है जिससे कि फीकल जो है स्मूथ हो जाता है और जो आसानी से किसी पेशेंट को आराम से निकल जाता है। अगर बात करें जो पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल है ये एक तरीके की लैक्सिलेटिव प्रॉपर्टी शो करता है जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम कॉन्स्टिपेशन की समस्या में ही करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो इसको जो है शुगर वाले पेशेंट को नहीं देना चाहिए और इसका इस्तेमाल जो है एंटी एसिड के साथ नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट में कोई इतने ज़्यादा नहीं है। वोमिटिंग हो सकती है या तो किसी पेशेंट को, या डायरिया की कंडीशन हो सकती है, या नोज़िया भी हो सकता है। अगर हम बात करें इसकी डोज के बारे में कि इसकी डोज हमें कितनी कितनी लेनी चाहिए, तो जनरली इसको आप जो है 5 से 10 ग्राम या 1 या 2 चम्मच पानी के अंदर घोल के आप आसानी से दे सकते हैं। अगर आप बिल्कुल आपको एक्यूरेट डोज जाननी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अपने बच्चे की एज एंड वेट या किसी पेशेंट को जो भी दिक्कत है वो अपनी एज और वेट मेंशन कर सकता है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मैंने आपको इसके यूज़ डोज एंड साइड इफ़ेक्ट सब कुछ बता दिए। अगर आपको MRP की बात करें, MRP रह गई है, MRP की बात करें तो ये 200 ml की मतलब 200 ग्राम के आसपास का आपको 200 या 250 रुपये के बीच में किसी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।